अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में यार है स्ट्रीट आर्ट। स्ट्रीट आर्ट के बारे में यार ये सीन होता है कि यहाँ पे लोगों को बॉल दी जाती है और उससे यार वे लोग पेंट करते हैं, पेंट भी होता है इनेबल पेंट के साथ। तो यार बाकी यहाँ पे मैं आया हूँ इवेंट पे और अब चेक करते हैं कि यार बाकी लोगों ने क्या बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया। यार ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो फिर पूरी देख लेना। यार मेरे साथ है यहाँ पे उबैदुल्ला वान, जिनकी ये पेंटिंग है कायदे आज़म की। तो यार आप मुझे ये बताओगे कि ये पेंटिंग आपने कलर्स ऑफ पाकिस्तान थीम है लेकिन आपने चूज़ नहीं किया। यार कलर्स ऑफ पाकिस्तान ने जो बेसिकली ये है कि हमें ये रिप्रेजेंट करना होता है कि पाकिस्तान की आइडेंटिटीज़ या पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ही मतलब आगे तक लेकर जाए इंटरनेशनल लेवल। तो पाकिस्तान की मैंने एक बेसिक चीज़ चूज़ की है जिसको पाकिस्तान ने जिसने बनाया, तो वो कायदे आज़म हमारे हैं, तो इसलिए मैंने उनको ही मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। बाकी यार विश यू बेस्ट ऑफ लक। लेकिन ये आर्ट है कि इसमें भी आपको प्राइस मिलेगा, ये जितना है बाद में यार विश यू बेस्ट ऑफ लक। यार फिर हमने सर को बहुत ज़्यादा पिक सेंड की थी, उनमें जो है ना बहुत ज़्यादा सीन भी थे और भी दूसरे भी थे जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट आर्ट में पहले बने, लेकिन उन्होंने ये सीन जो है ना उन्होंने कहा है कि सब ने दूसरे सीन बना लिया उन्होंने एक डिफरेंट सीन होना चाहिए जो एक विलेज का होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा भाई ये विलेज का सीन ही है और हमने इसको तैयार किया। हमारे वेल नोन पाकिस्तानी सिंगर है आरिफ लाहौर, सारे हमारे जितने भी सीन हो गए और आज की जनरेशन है वो सारे आरिफ लाहौर को जानते हैं और ये हमारे फोक सिंगर है। Stop running, running, running. I was up before the sun was rising. This is still my favorite part of the mountain. I could feel the rocks beneath my feet warming. ये सब में हमारे हालिया नेशनल हीरो हैं, बड़े जहाँ बाद उन्होंने दो तैयारे भारत के गिराए और अभिनंदन को जिन्होंने पकड़वाया और उन्हें फिर चाय पिला के रुख्सत किया, बड़े अच्छे तरीके से रुख्सती हुई उनकी। तो अभिनंदन तो बड़े मशहूर हो गए माशाल्लाह, लेकिन इनका नाम इतना हमारे सामने नहीं आया, तो इसको हमने कहा चलो थोड़ा ट्रिब्यूट इनको भी देना चाहिए। तो हम अपना एक तरह से जो कुछ कर सकते हैं वो तो यही कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। हमने उसको असल में काफ़ी तौर पर रिप्रेजेंट किया है, जैसे कलर्स ऑफ पाकिस्तान में मास्क पेंट वाले जाते हैं कि हम कलर्स ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट करें, उस तरह हमने जैसे ट्रकों के पीछे देसी टाइप का कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है। देखिए आपने मुझसे भी पूछा कि वाई दिस पर्टिकुलर पिक्चर, कि इसमें दो हाथ हैं और कोई बर्तन बना रहे हैं या पॉटरी कर रहे हैं, कोई बर्तन बना रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो हमारे आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती है। तो दिस वॉज वेरी डीप रूटेड और इसमें जो हाथ और जो मटके में जो कलर्स यूज हुए हैं आपको रियलाइज होगा कि यार मट्टी की चीज़ जो है वो दूसरी मट्टी को ढाल रही है, उसकी शक्ल बना रही है। तो इसमें जो क्रिएटिविटी का आंसर था आई एम क्रिएटिंग टू, तो आई थिंक दैट्स वेरी बेसिक कड़ी है जो कि अपवर्ड्स से डाउनवर्ड्स जाती है एंड द थिंग व्हिच वी आर डूइंग इज वेरी यू नो इट्स वेरी स्पिरिचुअल रिलेटेड टू द हायर बीइंग। सो व्हाट दिस थिंग हम सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं वो आर्ट, ये क्रिएटिंग आर्ट, सपोर्टिंग अ कल्चर एंड इट्स वेरी इट्स अ गुड सेवन, वी शुड यू नो कीप ऑन डूइंग इट। बेसिकली ये मैंने पूरा रिसोर्स से बनाया है, इसमें जो मीनार पर है वो मीनार पाकिस्तान को लगे हुए हैं, डिफाइन करते हैं पाकिस्तान के अभिनुष्य बने हुए छोटे बच्चे हैं और इंडिया हार्ट चाइल्ड और बाद में कोई बच्ची जो है वो अपना पेट्रॉटिज्म रियलिटी में बना देती है बाइक ड्राइंग की कार पानी। थैंक यू सो मच। आपने परवीन का ये पिक्चर ड्रॉ किया क्योंकि आज का जब पाकिस्तान के शहर पर सारे नासिर पाकिस्तान को एक ब्रांड इमेज दुनिया के सामने रखते हैं, तो ऐसे ही अहले फन लोग होते हैं जो
सामने आते हैं और पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा सामने लेकर आते हैं। मैंने इसलिए चूज किया मारकोट क्योंकि आज ज्यादा आवाम को पता ही नहीं है कि मारकोट हमारा नेशनल एनिमल है। यार मुझे पर्सनली एक ये पेंटिंग जो है ना बड़ी एक सबसे मेहनत वाला काम लगा क्योंकि 6800 बॉक्सेस हैं इन पेंटिंग के अंदर और हर बॉक्सेस को हाफ में हर बॉक्स के अंदर एक ट्रायंगल है। तो यार यहाँ पे 6800 बॉक्सेस और हर बॉक्स के अंदर एक ट्रायंगल है और हर ट्रायंगल में एक अलग शेड करना है तो यार कितना मुश्किल है। तो यार फाइनली यहाँ पे सारे लोगों को देख लिया और मैं खुद भी अब ज़्यादा थोड़ा सा डिसऑर्डर हो गया हूँ। अब यहाँ पे लोग को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।